पेगासस जासूसी मामले पर चिदंबरम का निशाना, कहा जासूसी के आरोपों पर केवल भारत की सरकार चिंतित नहीं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने दिया इस्तीफा, बोले आलाकमान से कोई दबाव नहीं। लोकसभा में दो विधेयक पारित, मंगलवार 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित। गगनयान का पहला मानव रहित अभियान चला, इसरो प्रमुख सिवन बोले दिसंबर में यह संभव नहीं। इसरो जासूसी मामले में दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा निगरानी। नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन पहुंचे। यहां बाबा की पालकी सवारी यात्रा निकाली गई। शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी समेत महाकाल के दर्शन कर रुद्राभिषेक किया और पूजा अर्चना भी की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने देश के लिए मंगल कामनाएं की। इस दौरान अनेक श्रद्धालु महाकाल मंदिर में मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह चौहान के साथ बाबा महाकाल के दरबार यानी उज्जैन पहुंचे हैं। यहां बाबा की पालकी सवारी यात्रा भी निकाली गई है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ महाकाल के दर्शन किए और इसके साथ ही भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने देश के लिए मंगल कामनाएं की हैं और इस दौरान अनेक श्रद्धालु महाकाल मंदिर में मौजूद रहे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर भगवान भोले की नगरी पहुंचे और इस दौरान अरुण यादव ने ओमकारेश्वर मंदिर में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है और देश व प्रदेश में खुशहाली एवं समृद्धि की मंगल कामना भी की है। गौरतलब है कि आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है और सावन मास के पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके चलते भाजपा कांग्रेस समेत मध्य प्रदेश के सभी श्रद्धालु गण में हर्षोल्लास दिखा है। भोपाल में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने सावन के पहले सोमवार पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही साथ कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया है। वहीं कोरोना को लेकर मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में आज कोविड के 6 मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोग ठीक भी हुए हैं। आइए जानते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। ये सतत चलने वाला अभियान है। जहरीली शराब के मामले में जो आरोपी के यहाँ, एक के यहाँ से जो बोतल मिली है घनश्याम के घर से, उसमें लेबल लगा था, तो यहाँ से थोड़ा भ्रम पैदा हुआ है कि ठेके का है या अवैध वाला कच्ची शराब का मामला है। लेकिन उसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं। एक व्यक्ति ठीक होके घर चले गए हैं, 3 लोग काल कवलित हुए हैं, अभी 3 और भर्ती हैं। टीआई शिव कुमार जी को निलंबित किया है, एएसआई को किया है, आबकारी अधिकारी को भी कलेक्टर ने वहां पर निर्बंध। कारगिल दिवस शहीदों को नमन, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। कोरोना के क्षेत्र में आज भी हम राहत के साथ हैं। कुल 6 मामले मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के आए हैं, 11 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए हैं, 142 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं। जैसा हमने पूर्व में कहा था कि 70,000 के आसपास हम सैंपल रोज लेंगे और कोरोना के फन को कुचलते रहेंगे। कल भी 71,661 हमने सैंपल मध्य प्रदेश में लिए। संक्रमण दर को अगर हम देखें तो 0.008
8% रह गई और ठीक होने की दर हमारी 98.6। वहीं सिंगरौली जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा कलेक्टर को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं जो शब्द सामान्य तरीके से आईएएस अधिकारी के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने न सिर्फ कलेक्टर को भ्रष्ट चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है बल्कि ऐसे शब्दों का भी उन्होंने इस्तेमाल किया जो गरिमा के अनुकूल नहीं है। वही वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है और इस मामले में अब भाजपा नेता काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद चौबे ने वंशमणि वर्मा के ऊपर FIR दर्ज करवाने की मांग की है। मैं तो कहना चाहता हूं कि वंशमणि वर्मा जी पूर्व में मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाती है कि हमारे नेता कैसे शब्दों का प्रयोग, जो कि एक IAS IPS रैंक के अधिकारी को इस तरह से अशोभनीय शब्दों का प्रयोग करना मुझे लगता है कि पूरी तरह से गलत है। और इसके लिए हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हम लोग FIR भी कराने का काम करेंगे और पूरी तरह से ऐसे नेताओं का बहिष्कार करेंगे। तो कांग्रेस नेता का एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर कलेक्टर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि वीडियो में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री वंशमणि वर्मा कलेक्टर से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं जो शब्द सामान्य तरीके से एक IAS अधिकारी के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने न सिर्फ कलेक्टर को भ्रष्ट चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है बल्कि ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है जो गरिमा के अनुकूल है। वह इस मामले में अब भाजपा नेता काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद चौबे ने वंशमणि वर्मा के ऊपर FIR दर्ज करवाने की मांग की है। वहीं धार जिले में रजा फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा चित्रकला का आयोजन किया गया है। इस दौरान जाने माने चित्रकारों ने कैनवास पर अनूठी कला के रंग बिखेरे हैं। जहां एक ओर मांडू में बारिश के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नजारा है तो वहीं दूसरी ओर रंगकारों के द्वारा चित्रकारी कर यहां पर कई कलाकृतियां बनाई गई हैं। इस अवसर पर धार कलेक्टर आलोक कुमार सिंह दिल्ली के संस्था रजा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित रंग मांडू कला शिविर में पहुंचे और कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुए हैं। साहब न केवल प्रदेश के, देश के, बल्कि दुनिया के बहुत बड़े कलाकारों में रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के मंडला में उनका जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। यहाँ के कलाकारों ने काफ़ी मेहनत करके एक हफ्ते से वहाँ पे पूरा प्रोग्राम उन्होंने आयोजित कर रखा है और विभिन्न प्रकार की जो मांडू की वादियाँ हैं वहाँ पे ऐतिहासिक महत्व की जगहें हैं सबकी पेंटिंग और चित्रकारी का प्रोग्राम चल रहा है। उनकी याद में आज हम लोग वृक्षारोपण भी कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरी दुनिया में हमारे प्रदेश का नाम रोशन किया उनकी याद में इस तरह के कार्यक्रम। वह इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने संसद में इतिहास का सबसे बड़ा झूठ बोला है। देश में लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर गए लेकिन ऐसे में भाजपा सरकार संसद में कहती है एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। कई प्रदेशों के उच्च न्यायालय ने कई बार केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए फटकार भी लगाई है लेकिन झूठी सरकार ने उन लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। युवक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, गिरीश जोशी, पीके उपाध्याय जी और सुनील अवधिया जी के, संजय शुक्ला जी के नेतृत्व में आज हम लोगों ने कार्यक्रम करा है और हमने ये बताया है कि केंद्र की मोदी सरकार कितनी झूठी सरकार है। आज देश के अंदर 1 करोड़ लोगों से ऊपर मर गए, लोगों ने अपने लोगों को खोया। देश ने ये देखा कि किस तरह ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार राज्यसभा में कहती है कि देश के अंदर एक भी आदमी बिना ऑक्सीजन के नहीं मरा है। तो इस निर्लज और झूठी सरकार के बयान से दुखी होकर जिस ऑक्सीजन सिलेंडर ने करोड़ों लोगों की जान इस देश के अंदर बचाई है वो शर्मिंदा होकर आज उसने आत्महत्या कर ली है। खबर इंदौर से बता रहा है जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि भाजपा सरकार ने संसद में इतिहास का सबसे बड़ा झूठ बोला है। देश में लाखों लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर
मर गए। लेकिन ऐसे में भाजपा सरकार संसद में कहती है कि एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। कई प्रदेशों के उच्च न्यायालय ने कई बार केंद्र सरकार को ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए फटकार भी लगाई, लेकिन झूठी सरकार ने उन लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सरकार विरोधी नारे भी लगाए हैं। वहीं मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 1 युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर आबकारी मंत्री और क्षेत्र विधायक जगदीश देवड़ा ने ट्वीट कर शोक संवेदना व्यक्त की है, साथ ही साथ दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। वह इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मंदसौर जिला कलेक्टर और SP ने खकराई गांव का दौरा किया है। मंदसौर कलेक्टर ने अवैध शराब बेचने वाले के मकान को तोड़ने के निर्देश भी दे दिए हैं। जो घटना हुई है और जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर पुलिस की और एक्साइज की जांच शुरू की गई है। एक व्यक्ति ठीक होकर जिला अस्पताल से गांव वापस आ गया था, उससे हमारी मुलाकात भी हुई है। एक व्यक्ति और जो जिला अस्पताल में है उससे भी इंटरव्यू लिया है और वो ठीक है, तो वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। जिन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और जिस जगह से ये शराब इन लोगों ने खरीदी थी उस जगह को सील कर दिया गया है और उस परिसर को तोड़ने के SDM को निर्देश दिए गए हैं। जिन लोगों की इस तरह के अधिकृत स्थानों के अलावा शराब बेचने की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उनके विरुद्ध सर्चिंग की टीमें लगाई गई है शराब जब्त करने और उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्रवाई अभी तत्काल की जा रही है और कोई भी व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आबकारी मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र मल्हारगढ़ का ये मामला है और खकरई गांव का ये मामला है जहां पर जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और चौथा व्यक्ति यहां जीवन और मृत्यु के बीच में जिला चिकित्सालय में संघर्ष कर रहा है। मेरा यह सीधा आरोप है कि मध्य प्रदेश की सरकार और आबकारी मंत्री शराब माफियाओं से मिले हुए हैं और जो जहरीली शराब पूरे अपने मंदसौर क्षेत्र जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में परोसी जा रही है। जब उनके निर्वाचन क्षेत्र में ये हाल है तो पूरे मध्य प्रदेश का क्या हाल होगा, ये मीडिया के साथी से मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और मेरी तो ये मांग है कि आबकारी मंत्री का ये निर्वाचन क्षेत्र है, उन्हें नैतिकता के आधार पर सबसे पहले आबकारी मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल पूरे जिले में गांव-गांव में डायरियों के माध्यम से शराब माफिया और शराब ठेकेदार ये बिल्कुल जो जहरीली शराब ग्रामीणों को भोले भाले सीधे ग्रामीणों को पिला रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार मंदसौर जिले में मौतें हो रही है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं बात अगर रतलाम की करें तो यहां भी बारिश का हाल बेहाल है। तेज बारिश से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, इससे लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो बारिश से लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। आपको बात बता दें कि रतलाम में बारिश से लोगों का हाल पूरी तरह से बेहाल है। तेज बारिश से जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है, वहीं लोगों ने इसकी शिकायत भी की लेकिन प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रायसेन के सिलवाने स्थित मंदिर पर सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ दिखाई दी है। लोगों ने भगवान शिव का अभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की और मनोकामनाएं भी मांगी। आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है, इस दौरान मंदिर में भक्तों के अंदर काफी उत्साह भी देखने को मिला। उज्जैन में महाकालेश्वर की सवारी निकालने को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी है। आपको बता दें कि मंदिर की सवारी 26 जुलाई से 6 सितंबर तक निकाली जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष आशीष सिंह ने बताया है कि श्रावण भाद्रपद माह के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की सवारी निकाली जाएगी। वहीं महाकालेश्वर भगवान के दर्शन सुबह 6 बजे से 11 बजे तक प्री बुकिंग के माध्यम से ही होंगे। इस अवधि में ₹250 वाले शीघ्र दर्शन के काउंटर बंद रहेंगे, साथ ही साथ सोमवार के अलावा 27 जुलाई से 5 सितंबर तक प्री बुकिंग स्लॉट में श्रद्धालुओं की संख्या 3500 से बढ़ाकर 5000 की जा रही है। तो आपको बता दें कि महाकालेश्वर भगवान के दर्शन सुबह
6 बजे से 11 बजे तक प्री बुकिंग के माध्यम से कराए जाएंगे। और आपको बता दें कि इस अवधि में 250 रुपए वाले शीघ्र दर्शन के काउंटर बंद रहेंगे। साथ ही साथ सोमवार के अलावा 27 जुलाई से 5 सितंबर तक प्री बुकिंग स्लॉट में श्रद्धालुओं की संख्या 3500 से बढ़ाकर अब 5000 कर दी जा रही है। खबर रायसेन से है, जहां श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई है। पूरा शिवालय बाबा भोले के जयकारों से गूंज उठा। वहीं भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया है। एक साथ मंदिर में सिर्फ 5 भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो रायसेन से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई है। पूरा शिवालय बाबा भोले के जयकारों से गूंज उठा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन किया है। एक साथ मंदिर में सिर्फ 5 भक्तों को प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। भाई शंकर भगवान की जो महिमा है, जो अपने सावन सोमवार पे जो चल गए थे, सब प्राणी लोग भगवान के जल चढ़ाते हैं, जो पशु बिंद वगैरह चढ़ाते हैं, उससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ति होती हैं। इसलिए सब प्राणियों प्राणी भगवान शिवलिंग और भगवान के ये हैं, इसीलिए तैयार कर रहे हैं कि जनता जो है इनको पूजन करे, इनमें मन लगाए, जिससे कि दुनिया की खराबियों से। तो श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि भक्तों ने पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया है। भक्तों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आपको बता दें कि सिर्फ 5 भक्तों को मंदिरों में प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।